Let's do question number second of exercise 1F, that is number system. Question number second is rationalize the denominator of each of the following. Friends, hume rationalize karna hai first part. First part is 1 upon root 7. Friends, maine bataya tha sirf root ho to root ko hi rationalize karna hota hai. Matlab root 7 upon root 7 aa jayega. Matlab is root 7 se ek bar aur upar niche multiply karna hota hai. Ab dekhiye 1 into root 7 हमें पता है root 7 ही आता है क्योंकि 1 को किसी भी number से हम multiply करें then the answer will be that number only. अब next thing is root 7 into root 7 क्या आएगा, हमें पता है square root है और 7 into 7 है तो दो pair बन गए और एक बार बाहर निकल जाएगा तो that means 7 आएगा answer. This is the answer. Let's do second part. Second part is root 5 upon 2 root 3. Friends, इस number को हम root 3 से rationalize करेंगे और कई बच्चे 2 root 3 से कर देते हैं तो भी कोई problem नहीं है. देखिए मैं दोनों तरीके से करके दिखा रही हूँ. Root 3 आएगा rationalization में तो क्या करेंगे, root 5 into 3 हो जाएगा लेकिन इसके pairs नहीं बनते तो square root है तो बाहर नहीं निकल पाएगा. 2 into root 3 into root 3, right friends? अब ये क्या हो गया, root 15 हो गया upon 2 into root 3 into root 3. अब root 3 into root 3 is 3, हमें पता है, तो 2 threes is 6. फ्रेंड्स पूरी वीडियोस देखिए क्योंकि कोई ये पॉइंट मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, यहाँ पर भी बताया है, शायद आगे ना बताऊं इसलिए प्लीज मेरी वीडियोस पूरी देखिया करिए. राइट फ्रेंड्स, एक तो ये मेथड हो गया. एक अगर मैं 2 रूट 3 से इसको रैशनलाइज करती हूँ तो रूट 5 अपॉन 2 रूट 3 था, इसको मैंने 2 रूट 3 से ही रैशनलाइज कर दिया. हालांकि मेथड तो रूट 3 का है लेकिन अगर मैं ऐसे करती हूँ तो क्या होता है, तो 2 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि बाहर है रूट के, अंदर क्या आ जाएगा 5 इंटू 3. राइट फ्रेंड्स, अब ये देखिए 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3, तो जो रूट के बाहर है उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3. अब रूट 3 इंटू रूट 3 तो 3 हो गया. राइट फ्रेंड्स, और ये 2 टू 4 हो गया तो कितना आ गया, 12 आ गया अपॉन 12. अब ये देखिए 2 वन जर 2, 2 सिक्स 12, तो ये कितना आ गया, रूट 15 अपॉन 6. देखिए सेम आंसर आ गया तो बोथ ऑफ द मेथड्स आर राइट. लेट्स डू थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3. तो रैशनलाइज करेंगे कैसे बताया था मैंने, ये सेम नंबर्स लिखेंगे लेकिन साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा. राइट फ्रेंड्स, अब देखिए 1 की मल्टीप्लिकेशन 2 माइनस रूट 3 में. राइट, अब एक चीज और यहां देखिए, ये 2 हमने अगर ए माना और ये हमने बी माना. राइट, यहां पे भी यही है 2 जो ए है तो ये भी ए हो गया और यहां पे रूट 3 बी है तो यहां पे भी रूट 3 बी हो गया. राइट फ्रेंड्स, तो ये कौन सा फॉर्मूला लगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा आंसर, हम करते थे इसका फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला था ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो डायरेक्टली कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला लिख के कि ए हमारा 2 था उसका स्क्वायर माइनस बी क्या था, रूट 3 था उसका स्क्वायर, तो कितना आ गया ये 1 टू जा 2 माइनस 1 इंटू रूट 3 इज रूट 3 अपॉन 2 into 2, 2 का square का मतलब है 2 into 2, that means 4 minus root 3 into root 3 का मतलब है 3, तो ये 3 आ गया. अब 4 में से 3 गया is 1, तो 2 minus root 3 upon 1 लिखिए या 2 minus root 3 लिखिए, answer is same. Let's do fourth part. Fourth part is 1 upon root 5 minus 2. It's a very important question. Rationalization ka question ek na ek bar aapke exam mein zarur aayega. To please isko dhyan se samjhiye. Root 5 minus 2 hai. To yahan pe bhi root 5 lekin plus ka 2. Yahan pe bhi root 5
plus 2, right friends? तो 1 की multiplication root 5 plus 2 में upon, यहां ये a है, ये b है, same ये root 5 यहां है, तो a हो गया और ये b हो गया. इसे हमने a और b क्यों नहीं माना? क्योंकि इसकी multiplication 1 में हो रही है, तो यही आएगा. हम ये यहां a और b इसलिए मान रहे हैं जिससे कि हम इसमें formula लगा सकें. Same formula, a minus b, ये वाला पहले आ रहा है, ये वाला बाद में आ रहा है. a minus b या a plus b, तो किसका formula? A square minus b square का, तो root 5 का square minus 2 का square, तो कितना आ गया? 1 से multiply हुई, तो यही आया upon 5 का square root of 5 का square, 5 ही आया, 2 2s are 4, तो क्या आया answer? Root 5 plus 2 is the answer. Let's do fifth part. Fifth part is 1 upon 5 plus 3 root 2. Right friends? तो देखिए rationalize करेंगे. Plus का sign बीच में आ गया है. तो अब 5 minus 3 root 2 आ जाएगा. Upon 5 minus 3 root 2. Right friends? अब 1 की multiplication 5 minus 3 root 2 में हुई. Upon 5 का, देखिए ये फिर से A और B. हमेशा जब भी इसका opposite sign का करेंगे तो कौन सा formula लगेगा? A plus B और A minus B वाला. तो उसका formula होता है A square minus B square. आप ये directly use कर सकते हैं यहाँ पे. 5 का square minus 3 root 2 का square. तो ये कितना आ गया हमारा? 5 minus 3 root 2 upon 5 का square is 25 minus 3 root 2 का square का मतलब है 3 की दो बार multiply और root 2 की दो बार multiply. तो ये कितना हो गया? 3 3 is a 9, root 2 into root 2 is 2, that means 18. Right friends? Now, तो answer is 5 minus 3 root 2 upon 25 में से 18 गया is 7. Answer. Let's do sixth part. Sixth part is 1 upon root 7 minus root 6. तो rationalize करेंगे किससे? Root 7 plus root 6 से. Right friends? Root 7 plus root 6 से. अब ये क्या आया? 1 into root 7 plus root 6 upon वही a minus b, a plus b. तो a का square minus b का square. आप ये formula लिख के आए exam में. Right friends? तो ये क्या आ गया? Root 7 plus root 6 upon 7 minus 6. क्योंकि root 7 का square 7 and root 6 का square 6. तो answer is root 7 plus root 6 is the answer. Let's do seventh part. Seventh part is 4 upon root 11 minus root 7. तो इसका rationalization करेंगे root 11 plus root 7 से. Root 11 plus root 7. तो ये कितना आ गया? 4 की multiplication root 11 plus root 7 में. और ये कितना आ गया? A minus B, A plus B. तो root 11 का square minus root 7 का square. तो ये कितना आ गया? बाहर 4 ही रखेंगे क्योंकि क्या पता नीचे common निकल गया है और हम उसको काट सकें. अब 11, root 11 का square 11 minus 7. 11 minus 7 is 4. 4 root 11 plus root 7 upon 4. 4 से 4 कट गया. Then the answer is root 11 plus root 7 is the answer. Let's do 8th part. 8th part is 1 plus root 2 upon 2 minus root 2. Right friends? अब इसको ऊपर नीचे इसी नंबर से rationalize करेंगे. देखिए ऊपर भी root है लेकिन नंबर हम rationalize नीचे वाला ही करते हैं. 2 minus की जगह क्या आ जाएगा? Plus root 2 upon 2 plus root 2. तो ये कितना आ गया? 1 plus root 2 की multiplication 2 plus root 2 में. और नीचे वाला देखिए a minus b, a plus b. तो 2 का square minus root 2 का square. तो ये कितना आ गया?
अब देखिए 1 की मल्टीप्लिकेशन इस पूरे ब्रैकेट में और रूट 2 की मल्टीप्लिकेशन इस पूरे ब्रैकेट में, राइट। नाउ नीचे क्या लिखेंगे हम, 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 2, राइट फ्रेंड्स। अब क्या आया, 1 की मल्टीप्लिकेशन एज इट इज हुई तो एज इट इज नंबर आ गया, प्लस रूट 2 इंटू 2 इज 2 रूट 2, प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, राइट फ्रेंड्स, अपॉन 2। अब ये देखिए रूट टू सेम है तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे और ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये आया 4 प्लस 3 रूट 2 अपॉन 2 इज द आंसर। लेट्स डू नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट इज 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 2। ये देखिए रैशनलाइज हम नीचे वाले को ही करते हैं तो क्या लेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लेंगे, 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2। ये देखिए यहाँ पे ए ए 3 है, बी ये है ए प्लस बी ए माइनस बी, लेकिन यहाँ है ए माइनस बी ए माइनस बी, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। और एक हमारा था ए माइनस बी, यहाँ दोनों माइनस के हैं ये ध्यान रखिएगा, और यहाँ है एक माइनस का एक प्लस का, तो फॉर्मूला होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट फ्रेंड्स। अब देखिए आप चाहे तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला और ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ए माइनस बी और ए माइनस बी, ए किसे माना है 3 को और बी किसे माना है 2 रूट 2 को, देखिए ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए माइनस बी को होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो 3 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ये क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट फ्रेंड्स। तो इसका a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, राइट फ्रेंड्स। नाउ और इसे क्या लिखेंगे, 3 इज अ 9 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर का मतलब है 2 की दो बार मल्टीप्लाई और रूट 2 की दो बार मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया, 2 टू 4 इंटू 2 क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, तो कितना आ गया 8, तो 8 आ गया यहाँ पे। अब देखिए ये क्या हुआ, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर इज 8 प्लस 8 माइनस 2 3 6 6 2 12 रूट 2 अपॉन 1 आ गया। अब ये देखिए ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस के, 17 आ गया माइनस 12 रूट 2 इज द आंसर, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज द आंसर। थैंक यू। इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑन मैथ्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।